हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है हमारे पास दो सर्कल्स है, दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर हमें पता है कि दो सर्कल्स अगर कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी रेडियस भी सेम होती है, ठीक। तो मैं ये यहाँ पर क्या कह सकती हूँ कि ये गिवन है, वी हैव टू सर्कल्स, ठीक है, टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। यहाँ पे जो दो सर्कल्स है बच्चों, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या होगा बच्चों, इनकी जो रेडियस है ओ बी इज इक्वल टू सी आर होगी, ठीक है। ओ बी ओ ए इक्वल टू सी आर होगी, ठीक। दूसरी बात, ओ बी इक्वल टू आर डी होगी, ठीक है, क्लियर है। ओ बी इक्वल टू आर डी होगी क्योंकि कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैव सेम रेडियस, ठीक है। अब देखो तुम्हें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। इफ़ ए बी इक्वल टू सी डी, ये कह रहे हैं ए बी इक्वल टू सी डी है, तो इन दोनों को तुम प्रूव करो। और क्या गिवन है कि ए बी इक्वल टू सी डी है, ए बी इक्वल टू सी डी है, तो आपको प्रूव करना है यहाँ पर क्या, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी आर डी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखो हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी आर डी, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास है गिवन है ए ओ इज इक्वल टू सी आर, क्यों है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैव इक्वल रेडियस, ठीक है। कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैव इक्वल रेडियस, ठीक है। फिर ओ बी बच्चों हो जाएगा अगेन आर डी के इक्वल, क्यों, इसका भी यही रीज़न होगा, ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पे हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ये चीज़ तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है। तो देखो साइड 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 ऐसे ऐसे हम कह सकते हैं दैट ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी आर डी बाय एस एस एस, ठीक है, क्लियर है। दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट आते हैं तो क्या होता है बच्चों, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी आर डी होगा, ठीक है। ये क्यों होगा, बाय सी पी सी टी, ठीक है, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, तो ये तुम्हारे एंगल्स भी सेम आ गए, ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पे तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाता है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ जाओ तुम इसी क्वेश्चन नंबर 2 पर।